नमस्कार, आपका स्वागत है आदित्य में। हम रुख करते हैं नरसिंहपुर की ओर, जहां पर आम आदमी पार्टी ने आज निजी स्कूलों की मनमानी के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी नरसिंहपुर ने यह मांग की है कि कोविड-19 के चलते आज अभिभावक हो या पालक, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब बनी हुई है। कई लोगों के धंधे व रोजगार चौपट हो चुके हैं, जिसके चलते आज अभिभावक की माली हालत वास्तव में खराब बनी हुई है। और इसी परिस्थिति को देखते हुए निजी स्कूल प्रबंधक को भी जो ट्यूशन फीस वसूली की जा रही है उसमें 75% की छूट दी जाए तथा नो स्कूल नो फीस का नियम लागू किया जाए एवं एमपी बोर्ड में मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की ही पुस्तकें लगाई जाएँ तथा सीबीएसई बोर्ड में केंद्रीय पाठ्यक्रम की पुस्तकें से ही पढ़ाई कराई जाए एवं जिले के नरसिंहपुर गोटेगांव करेली गाडरवारा करकबेल तेंदुखेड़ा बर्मान साईखेड़ा चीचली में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएँ, जिससे कि ये निजी स्कूल प्रबंधन अपनी मनमानी ना कर सकें। आयोग संघ जो गाडरवारा में मांग कर रहा है निजी स्कूलों के खिलाफ कि आज जो बच्चे स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा लेने जाते थे, जिनको ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है, उनसे पूरी ट्यूशन फीस ली जा रही है। आज कोरोना काल के चलते हुए लोगों के पास न आय का साधन है, न किसी प्रकार की दुकानें चल रही हैं, किसानों की पूरी फसलें नष्ट हो चुकी हैं, वो किस प्रकार से फीस दे सकते हैं। इसको देखते हुए हम ये चाहते हैं कि जो सरकार है अभिभावकों के पक्ष में कोई ऐसा काम करे जिससे संतुष्ट हो सकें अभिभावक। आज वो फीस के लिए ऐसा प्रेशर बना रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले, जिससे अभिभावक संघ बहुत परेशान है। यही मांग है हमारी स्कूलों के जो प्रबंधक हैं कि वो किसी भी प्रकार का अभिभावकों पर प्रेशर ना बनाए और उसके साथ शिक्षा के क्षेत्र को व्यापार ना बनाए। क्या नाम है आपका? रीना लमानिया, गाड़ावाला। सर, ये निजी स्कूलों के द्वारा लगातार मनमानी फीस वसूली जा रही है ट्यूशन फीस, और इससे चलते क्या कोरोना काल के चलते अभिभावकों की स्थिति काफ़ी कमजोर है सर, उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि शासन के निर्देशानुसार यदि इनके द्वारा उससे ज़्यादा फीस ली जा रही है या ट्यूशन फीस के अतिरिक्त और अन्य फीस ली जा रही है जी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जहाँ सर कोरोना काल में रोजगार धंधे युवाओं को खराब हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, तो उसमें कुछ छूट प्रदान होना चाहिए शासन से सर कुछ? देखिए, इसके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार हमारे पास नहीं है। इस संबंध में जो भी हमारे तरफ से आपकी जो भी मांग है उसको शासन को भेजा जाएगा जी। शासन इस संबंध में जो भी निर्णय लिया जाए, शासन द्वारा जो भी इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा उसका पालन करेगा। थैंक यू।